celebrate. Myself, Tapas Praja, student of BS third year and IDP scholar Bhopal. Firstly, I'd like to welcome our chairperson, Dr. Anisul Rahman sir, co-chairperson, Dr. Afaq Adin Khan sir, speaker, Dr. Shariq Aqeel sir, and I welcome one and all who all are present here. But each one of us is purposely present in this hall. Like me and my friends are here to learn, and such a great personalities to teach us. But these are the small purposes which are fulfilling for each other. Apart from all this, it is still a big question that what is our purpose of existence in this world? Like Eugene Sartre says, curiosity is the essence of human existence. Who are we? Where are we? Do we come from? Where are we going? I don't know. I don't have any answers to those questions. I don't know what over there around the corner. But I want to find out. Dr. Shariq Aqeel sir is here to show us a path and to tell the framework of purpose. So I'd like to call Dr. Shariq Aqeel, who is Chief Medical Officer of the Aligarh Muslim University, has been selected to participate in the Islamic Development Bank Global Islamic Leadership Program, which was held in Kuala Lumpur, Malaysia from September 2013. Ex-Secretary, India Academy of Pediatrics, IIT, ex-HSC, IDP, Northwood. So sir, please share his view. Rabbi Shrahli Sadri Vasirli Hamli, Bahlul Udhatam Milisani and Bahupali. Janabi Sadr, Anisul Rahman Sahib, Co-Chairperson Janab Dr. Afaq, मुझे इसका एहसास है कि अच्छे खासे डिलीशियस लंच के बाद आफ्टरनून सेशन में अटेंटिव रहना कदर मुश्किल है, लेकिन मैं वतन कोई तकलीफ के इस वक्त मूड में नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि हम कोई इंटरेक्टिव बातचीत करें। मेरा हमेशा मानना यह है कि एवरीबडी नोज समथिंग, नोबडी नोज एवरीथिंग। हमें मुसलसल एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। बहुत सी चीज़ें मैं नहीं जानता जो मैं आपसे सीखूंगा, बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आप लोग नहीं जानते तो उन लोगों से सीखेंगे। मैं कॉर्डलेस लेके नीचे आऊँगा, फिर थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। मकसद हयात क्या है? इस सब के जहन में हम सब पैदा हो गए हैं और 17-18 साल गुजार चुके हैं, 19-20 साल, तो कम से कम हमारे जहन में कोई ना कोई पर्पज हो। पहले तो मैं सोचा आप मुझसे पूछूंगा, आप क्या समझते हैं कि क्या मकसद, क्यों दुनिया भेजे गए? जो आपकी जहन में, कोई लफ्जों को यज्ञा करने की जरूरत नहीं, खड़े होके बस ये बताइए क्या समझते हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत करना पर्पस है, एग्री करते हैं? हाँ सही है, कुरान की एक आयत है, ममा खलकतुल जिन्ना वल इंसा, बताया क्या है, हमने पैदा किया इंसानों को और जिनों को, पैदा ही नहीं किया सिवाय इस्लाम की हमारी इबादत करें। इबादत पूरे मफहूम में, जो इबादत का मफहूम है ना, और कोई मकसद? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इसका शेर तो बताएंगे, अल्लाह मेहरबान का शेर है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद ये कि तेरा दीन सरबलंद हो, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी नमाज का भी मकसद सरबलंदी है। नमाज दरअसल एक तरह से झुकने का अमल है, लेकिन ये है दरअसल बुलंदी का। जितना ऊपर जाना है, दादा लिदलू की शमसी इला मसाफे लेली व कुरानन फजर, इन्ना कुरानन फजर का आना मशहूदा व मिन लेली फतहज्जद बिही नाफिलतन, रात के किसी हिस्से में नफिल नमाज का, इजाफी नमाज का इस्तेमाल करो। असा अय्यम असा का रब्बो का मकाम महमूदा, फिर तवक्को रखो अल्लाह ताला तुम्हें बड़े मकाम में महमूद पे ले जाएगा, झुको तो अल्लाह बुलंद करेगा, है ना। आधी मकरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक है। तो लचकना, झुकना, ये सरबलंदी और सरफराजी के अलावा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई दुनिया में सरफराजी का मुस्तहिक नहीं है।
लेकिन आप देखिए कि उनके अंदर किस कदर इंतजारी और कमजोरों के सामने झुका चला जा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं गली में, गुजर रहे हैं, पहले सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम, हम इंतजार करते हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, इंतजार करते हैं कि हमें कोई सलाम करे। मेरी जिंदगी का मकसद अफीका करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो भी दुआ पढ़ते हैं, सलाती और नुसुकी और हमारे खुदा की लिल्लाह रब्बिलाल। और कोई मकसद आप लोग समझते हैं? ये एक और कोई मकसद हम लोग पैदा करने का मकसद है या इस जिंदगी का? यस, हां मैडम बोलो। बिल्कुल सही बात की। सूरह मुल्क 29वां सिपारा, कोई बात नहीं उन्होंने कही, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता, वो अल्लाह ही है जिसने मौत और हयात पैदा की, अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम देखें कि तुम्हें से बेहतरीन अमल कौन करता है। हु परफॉर्म द बेस्ट, द लाइफ एंड डेथ हैज बीन गिवन टू यू, this worldly life has been given to you just to judge who is the best performer। ये हम जो आपने बात की, तो कुरान की आयत, हमें एक आदत बनानी चाहिए कि अपनी बातों को कुरान से कोट करें। कहते हैं कुरान हमारी जिंदगी को करना चाहिए। कैसे होते हर चीज जो आप करते हैं, जो आप उठते हैं, जो बैठते हैं, चीज याद रखिए कुरान तो खैर अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोटी छोटी चीजें सिखाई हैं वो इतनी हिम्मतों से लबरेज हैं। अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, बहुत मामूली सी, मामूली इसलिए कह रहा हूँ, बाथरूम टॉयलेट में जाने की दुआ है, क्या पढ़ते हैं जब हम बैतुल खला जाते हैं? औजु अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, वो अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरी पनाह में आना चाहता हूँ इस खुब्स व खबाइस से, टॉयलेट यूरिनेशन और पेशाब को तहारा करने का अमल जो है, मैं इसकी खबासत से तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। जाहिर है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, खबासत है, लेकिन अगर ये ना निकले, अगर किसी का सिर्फ 24 घंटे को पेशाब रुक जाए, तड़पने लगे, मछली जैसे पानी के बाहर होती है, हम अंदाजा नहीं लगाते कि इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, अगर हम सुबह से शाम तक पानी पी रहे हैं और वो एक रास्ते से निकल रहा है। टॉयलेट रिलीफ होने का जो अमल है, फर्क बख्शने का जो अमल है, जब तीन दिन चार दिन किसी को बैतुल खला ना हो, अगर टॉयलेट ना हो, अगर उसकी फीसिस पास ना हो, सिबत हो जाएगी। सो जब बाथरूम से बाहर निकलते हैं, जब बाहर आते हैं, तो एक दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने, क्या दुआ सिखाई? अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबा अन्नी अज़ा व आफानी, थैंक्स टू अल्लाह हु हैज़ गिवन मी रिलीफ ऑफ दिस ट्रबल, इस बड़ी मुसीबत से मुझे निजात दे दी, उस अल्लाह का शुक्र। पता अब आप देखिए क्या चीज है। एक बादशाह था, अगर आपने हिदायतें सुनी हो, उसके जमाने में एक फकीर था, फकीर अल्लाह के बंदों के पास रहता था, उनकी खिदमत करता था, उन्हें तलकीन करता था। बादशाह को ख्वाहिश हुई कि इतना बड़ा घर बना के थोड़ा सा उसमें फ्रेंडली अंदाज में, जब उसने देखा कि फकीर चलने को तैयार नहीं, बुजुर्ग चलने को तैयार नहीं, कहा बादशाह सलामत ने आपको महल में बुलाया, अगर थोड़े घंटों को उस वक्त के लिए आपको पेशाब उठ जाए और वो ही ना आपको पेशाब, क्या कुछ बादशाह ने कहा, ये मत छेड़ो, मैंने अपने बाप को पेशाब की तकलीफ में मरते देखा। अब जानते हैं मेडिकल के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, यूरिन नहीं हो पा रहा, या दूसरे बहुत सारे रीजंस होते हैं, पैसे जो अकेले फ्रंट किया है, आप कर ही नहीं पा रहे, प्रोस्टेट बढ़ गया है, आपकी दूसरी ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, इस अदर इज सो सो वेरी पेनफुल एगोनाइजिंग सिचुएशन। ये अगर किसी का रुक जाए पेशाब, बादशाह ने से जब ये कहा तो उस बादशाह फकीर ने उससे कहा, बादशाह आप क्या करेंगे अगर आपका पेशाब रुक जाए? बादशाह ने कहा मैं अपनी सारी सल्तनत दे दूंगा। उसका देना मैं इसलिए कहता ये महल और सल्तनत में जा रहे हैं, टॉयलेट से आ रहे हैं, तो हम कितनी बड़ी एक मुसीबत से बच जा रहे हैं। जब हम सोने जाते हैं
دیکھتے ہیں اللہم بسم کا اموت و واحیا I begin in the name of Allah who is the master of life and death موت و زندگی کا مالک میں تیری مرضی سے میں تیرے نام سے سونے جا رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں میں زندگی کے ساتھ سو رہا ہوں واپس زندگی اور جب ہم سو کے اٹھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں دوبارہ حیات بخشی بعد ما اماتنا جبکہ ہم مر چکے تھے والیہ النشور اور ہمیں پھر آپ ہی کے پاس آنا ہے نو ویئر ٹو گو ابھی سوئے تھے اب آپ ہی کے پاس چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں ٹھیک آتی ہے سنیزنگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ سنیزنگ از اے گڈ سائن آف ہیلتھ اگر آپ کو سنیزنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کا ریسپائریٹری سسٹم کلیئر ہے اس سنیزنگ کی بات کر رہا ہوں نزلے زکام میں کامن کولڈ میں ہوتی ہے نارملی سنیزنگ ڈیورنگ نارمل لائف از سائن آف گڈ ہیلتھ آپ سب جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جب چھینکتے ہیں تو انسان موت کے قریب ہوتا ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے نا سانس کاوڑ ہونے لگتی ہے اور دل کی دھڑکن ٹیمپرری طور پہ اسٹاپ ہو جاتی ہے ڈیورنگ دیٹ فریکشن آف سنیزنگ جتنی دیر آپ چھینکتے ہیں اتنی دیر دل کی دھڑکن آپ ریکارڈ کریں تو پریس نہیں ہوگی سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تہذیب سکھائی جب آپ چھینک سے پارے تو آپ کہتے ہیں الحمد للہ تھینکس ٹو اللہ اللہ شکر تیرا کیونکہ میں موت کے قریب تھا اور جو آپ کے آس پاس آپ کی چھینک سن رہا ہے اس کو کیا کہنا ہے کیا ہم اپنے اللہ میں مرسی آف گاڈ بی اپون یو اللہ کا رحم ہو تیرے اوپر تو مصیبت میں تھا اللہ کا رحم کیا ہم اپنے اللہ تیرے اوپر اللہ کا رحم جی چھینکیں آتی ہیں تو مقصد حیات دراصل یہ ہے کہ مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی رضا میں لگی رہے یہ ہے مقصد حیات اللہ کو راضی کریں مالک کو راضی کریں خالق کو راضی کریں اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے یہ ایک انسانی سائیکالوجی اس سے کوئی نہیں ہے پین پین کا کام یہ کہ لکھا جائے اگر پین سے لکھا نہ جائے تو پین کا شکر ادا نہیں ہوگا آپ 100 پین جمع کر لیں اپنے گھر میں پین کا شکر یہ ہے کہ پین سے لکھ دیے پین کو استعمال کیجیے ایک شخص کے پاس چھاتا ہے اور بس یہ چیلنج کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بہترین صاحب کا کرتے ہیں جو صلاحیتیں انسانوں میں دی ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے اتنا بڑا ٹریجر اتنی بڑا صلاحیت ہمیں آپ نے اور ہمیں دیا آنکھ ناک کان ہاتھ پیر میں اندر کی اگر میڈیکل اس میں جانا چاہوں اور آپ کو اناٹومی اور فیزیولوجی کی بات کروں ہوش اٹھ جائیں انسان کے کیا اللہ نے نظام بنایا ہے ایک صرف برین کی سبجیکٹ کو کھول لیجیے دنیا کے سارے کمپیوٹر میں تو کافی فیل ہے جو امیجنیشن پاور آپ کو ہے آج میں یہاں ہوں اور ابھی علی گڑھ میں پہنچ جاتا ہوں ہے نا دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس چیز کو نہیں جس شاعر نے کہا ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ تصورات کی دنیا بھی کیسی دنیا تصورات کی دنیا بھی کیسی دنیا ہے کہ میرے گھر سے تیرا گھر دکھائی دیتا ہے زندگی کے کام آپ اس انگوٹھے کے بغیر نہیں کر سکتے سوچ کے دیکھیں کپڑے پہننے ہیں انگوٹھا چاہیے لکھنا ہے انگوٹھا چاہیے دستخط کرنے ہیں انگوٹھے کی ضرورت چار انگلیوں سے زیادہ انگوٹھا لیکن بٹن ان بٹن کرنا ہے شوز پہننے ہیں چینج کرنا ہے گاڑی چلانی ہے کوئی کام سوچ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر بھی مختلف چیزیں جو نعمتیں دی ہیں ہمیں لیور ایک ہی آرگن ہے لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ بلیئر ڈیزیز ہے دلی میں پچھلے مہینے جانے کا اتفاق ہوا لیور ٹرانسپلانٹیشن کے تقریباً 1000 سے زیادہ پیشنٹ ویٹ کر رہے ہیں تو کوئی ڈونر ملے ڈونر ملے ڈونر کے لیے شرط ہے کہ کلوز ریلیٹو ہو قریب رشتہ دار ہو ایک ہی لیور ہے اور لیور کا پورا لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا کچھ پارٹ کیا جاتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ یعنی کہ سارا لیور آپ کا لے لیں گے جیسے آپ بلڈ دے رہے ہیں تھوڑی سارے جس کا خون ایک بوٹل دو بوٹل اچھا خاصا خون ہوتا ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے کہیں 5 کروڑ ڈیمانڈ ہے کہیں 10 کروڑ ڈیمانڈ ہے تبھی تو یہ بزنس اس کا ذکر کر رہا تھا کہ مریض کا کیا کڈنی چرا لیا بیچارے کو پہلے تو پتہ نہیں ہوتا تھا چرا لیتے تھے تب ساؤتھ ہے دنیا بھر کی جب ڈاکٹر بھی تھوڑے ڈرنے لگے جب پکڑے جائیں گے تو یوں انسان کا جسم دیکھیے گردہ کروڑوں روپے کا کسی آدمی سے کہیے آپ مجھے ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کرانا مجھے اپنا دل دے 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 گا یوں تو بالکل بے وقت ہے آج کل کا آدمی
और बोटी बोटी देखी है तो आदमी अरबों का है। अगर अपनी बोटियां बेचना शुरू कर दें, हाँ अल्लाह का निजाम है, ये जो आपको उसने कौड़िया दिया है, 6 घंटे मरने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? एक अलग पैसे कब इस्तेमाल करना चाहिए कभी? मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जितनी भी चीजें अल्लाह ने हमें दी है, ये जो सलाहियतें हमें दी है, ये जो हमें गोश्त गोश्त दिया है, ये जो सोचने की सलाहियत दी है, जो ब्रेन का सर्किट दिया है, जो दुनिया के हर कंप्यूटर पे भारी, क्या इसका तकाजा नहीं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें? और हर वक्त हर सांस में हम तो ये है कि हक अदा ना हुआ, एक सांस जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, वो वापस आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, हो सकता है वो सांस अंदर रह जाए। तो ये जो मिरेकल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, ये जो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जिस्म बना के दिया, इतनी सलाहियतें भर के दी है, कोई मकसद होगा ना अल्लाह ताला का? मकसद ये है कि इंसान अपनी तमाम सलाहियतों के बारे में कॉशियसली ये इकरार करता रहे, उसके सब कॉन्शियस उसके तहत शऊर में हमेशा ये बात रहे कि ये खालिसतन अल्लाह की देन, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इसमें मेरी जबान दराजी की कोई अहमियत नहीं है, ये जबान अल्लाह ने दी, ये ब्रेन का सर्किट जो जबान से जोड़ा है ये अल्लाह ने दिया है। आज जिस आँख से मैं देख रहा हूँ उस आँख को ऑप्टिक नर्व के जरिए से ब्रेन से अल्लाह ने जोड़ा है, वरना आंखें आपकी दोनों सलामत रहें, ऑप्टिक नर्व में जरा सा वेवलेंथ का फर्क आ जाए, जरा सा टेंशन में फर्क आ जाए, जरा सा कहीं भी डिस्क्रिपेंसी हो जाए, डिस्पाइट हैविंग टू ब्यूटीफुल आईज विल नॉट बी एबल टू सी, नहीं देख सकते। इतने लोग हैं जिनको अच्छे खासी आंखें हैं लेकिन नहीं देख सकते। इतना रिफाइंड, इतना अप टू डेट और इस कदर यानी हर लोग से पाक में बनाया, इसके बारे में अल्लाह ने कहा इस कायनात के बारे में मैंने जिक्र किया था, तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क, है ना, जो आयत पढ़ी जाती है, यू सी स्लाइटेस्ट डिस्क्रिपेंसी एंड डेविएशन मेरी इस यूनिवर्स में चैलेंज करके अल्लाह ताला कहता हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें इतना कभी डिस्क्रिपेंसी नजर आती है? सुम्मा जेल बसर, दोबारा अपनी आप को दौड़ाओ, टेलीस्कोप और ये दुनिया भर की इजादात का इस्तेमाल करो, सुम्मा जेल बसर, दोबारा नजर डालो इस खाना, तरा मिन फुतूर नजर आएगा, चैलेंज क्या तुम्हें नजर ही नहीं आता? इतना परफेक्शन के साथ अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो जाहिर है कि कोई मकसद हो,